आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बैठ के कौन सा रेसिपी बनाने वाली हूँ या फिर कौन सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही तो आज मैं कोई कुकिंग कर रही हूँ और ना ही कोई ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अभी बाहर का मौसम कितना सुहाना है, काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बाहर गई थी तो मुझे ठंड लगने लगी, तो मैं अंदर आ गई और फिर थोड़ा सा वीडियो बनाई। मैं सोची आप लोग को भी यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ का वेदर कैसा है, काफ़ी गर्मी है या फिर काफ़ी ठंडा है। तीन चार दिन पहले मैंने ट्राईपॉड का ऑर्डर किया था और वो आज आ चुका है, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूं। आप लोग के साथ ही मैं इस ट्राईपॉड को ओपन करूं और मेरे साथ आप लोग भी देखिए ये ट्राईपॉड कैसा है। अगर आप लोग को भी ये लगता है कि ये यूजफुल है तो आप लोग भी इसे खरीद सकते हैं। कितने का है और मैं कहाँ से ऑर्डर की हूँ, अगर आप लोग को भी कुछ हेल्प मिल जाता है इस ट्राईपॉड से तो मुझे भी अच्छा लगेगा। या फिर कोई ट्राईपॉड अभी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो है। आप देख सकते हैं कि ट्राईपॉड में बेसिक क्या क्या होना चाहिए, आपके ये यूज में है या फिर नहीं है और आप कहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। तो फिर वीडियो को लेट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, पहले मैं पानी पी लेती हूँ। पानी को मैं हर टाइम अपने पास रखती हूँ जब भी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी प्यास लगता है तो इससे मैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये इतना बड़ा सा कार्टून मेरे पास पार्सल आया था कल, एक्चुअली रात में ही आ चुका था, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ कल मॉर्निंग में ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि यहाँ का वेदर काफ़ी अप एंड डाउन है। तो कल काफ़ी ठंडी भी थी तो आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ओपन करने के लिए। सबसे पहले मैं सीजर ली हूँ तो कट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे एक बात है, पैकेजिंग काफी अच्छे से करते हैं यहाँ पे। डब्बे के अंदर डब्बा, इसके अंदर भी एक डब्बा है, देख सकते हैं इतने बड़े डब्बा, इतना बड़ा डब्बा के अंदर एक छोटा सा डब्बा, छोटा नहीं है ये भी बड़ा ही डब्बा है। तो इसे ओपन करते हैं। ये फिल लाइट है, इसमें ऑफ ऑन का ये देखिए, पहले मैं देख लेती हूँ क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें ऑफ ऑन का स्विच दिया हुआ है, लाइट को कम और हाई करने के लिए दिया हुआ है और कलर को चेंज करने के लिए ये दिया हुआ है। और ये यूएसबी केबल टाइप, देखिए आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है और लाइट इस टाइप का है। और एक बुक दिया हुआ है, इसे कैसे फिक्स करना है वो दिया हुआ है इसमें। तो पहले ये एक स्टैंड दिया हुआ है,
ये देखिए, ये ऐसे ओपन होगा, इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल के लिए आई थिंक होल्डर है। चलिए देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। मटेरियल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, फुल बॉडी आयरन का है और लाइट भी काफ़ी स्ट्रांग है, हार्ड प्लास्टिक का है, तो ऑल ओवर ये प्रोडक्ट अच्छा है। ये मोबाइल होल्डर है, इसको साइज, मोबाइल का जो साइज है उसके अनुसार इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, और ये क्लैंप है वॉल पे या फिर कहीं पे कोई डेस्क पे, इसे इस एंगल पे, ये एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे आप लगा के इस टाइप से फिक्स कर सकते हैं, ये ग्रिप पकड़ लेगा। ये लाइट का एंगल है, आप इसे चाहे तो ट्राइपॉड के साथ भी यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल लाइट भी यूज कर सकते हैं। इसमें खास बात ये है कि लाइट इसमें अटैच नहीं है, तो फिर लाइट को किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। और ये क्या है, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट देखते हैं क्या क्या दिया है। ये ट्राइपॉड का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि इसका लंबा साइज स्टैंड नहीं है, जो कि फ्लोर पे आए और वो ऑब्स्ट्रक्शन आए, बार बार टकराए पैर से, इसे काउंटर टॉप पे लगा देंगे। और एक ये है, और एक ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसे कैसे फिक्स करना है वो देख लेते हैं। टोटल इसमें 6 पार्ट दिया हुआ है, उसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। काफ़ी इजी, आप ये देख के, आप इस पंपलेट को देख के अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई हेडेक नहीं है। और यहाँ पे प्रॉपर इसका स्केच भी दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, और कैसे फिक्स करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं पहले। ये वाले होल में इसे एडजस्ट करना है, तो ये हो गया, इसे मैं एडजस्ट कर दी। और ये वाले ट्राइपॉड को किचन के काउंटर टॉप पे लगा के इजली इसको यूज कर सकते हैं। पहले वाला भी ट्राइपॉड मेरा अच्छा था, उससे भी उतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरा वीडियो उससे ही स्टार्ट हुआ है। और पहले वाले ट्राइपॉड का प्राइस था 1000 रुपीज में था, क्योंकि मैं वो इंडिया से खरीदी थी। और ये वाले ट्राइपॉड का, ये मैं डॉलर में खरीदी हूँ, $46 का है। इंडिया में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3000 का है। और पहले वाला ट्राइपॉड भी मेरा बहुत ही हेल्प किया है, तभी मैं आज यहाँ तक यूट्यूब बना सकी हूँ। और ये मोबाइल होल्डर को फ्रंट साइड अटैच करना है, तो इसे अटैच करते हैं। मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ, मेरे हाथ से सामान गिरते ही रहता है, चाहे मैं कितना भी संभाल के उसे यूज करूँ। आप इधर से भी होल्ड कर सकते हो, मतलब कि दोनों साइड होल दिया हुआ है, आप किस साइड से भी इसे होल्ड कर सकते हो इसको। तो ये प्रॉपर फिक्स हो गया है। और अब लाइट को भी फिक्स कर लेते हैं। ये वाले ट्राइपॉड को भी फिक्स करना इतना हार्ड नहीं है, काफी सिंपल है। सिर्फ देखने में आपको लगेगा कि इतना सारा आइटम दिया हुआ है, कैसे फिक्स करूं, बट ये जो छोटा सा दिया हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, काफी इजी है। किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो हार्ड लगता है, बट एक बार फिक्स कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब खुद का काम है तो उसे तो करना ही पड़ेगा, और उसे आसान बना के भी करना पड़ेगा, तभी तो काम करने में मजा आएगा। नहीं तो किसी भी काम को देख के टेंशन होगा, हेडेक होगा, और वो काम होगा भी नहीं, सिर्फ पेंडिंग होगा। तो बेटर है कि अपना काम खुद ही करें और फिर एक टेंशन फ्री से उसका सलूशन निकालें और वो काम को सक्सेस में लाएं। और काम हो जाने के बाद जो खुशी मिलती है उसका तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं।
और आप लाइट को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। मैं इसे यहाँ पे कर देती हूँ पहले। और देखिए आपसे बात करते करते ये अटैच भी हो गया है। ये फिक्स हो गया तो काफी सिंपल है ये एडजस्ट करना। सॉरी अभी थोड़ा सा बाकी है, अभी अच्छे से ये फिट नहीं हुआ है। तो ये प्रॉपर एडजस्ट हो गया है, काफी सिंपल है इसे एडजस्ट करना। और ये लाइट भी एडजस्टेबल है। और आपसे बात करते करते मेरा ट्राइपॉड भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे मैं किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड कर सकती हूँ। इसे मैं लूज करके दिखा रही हूँ कि परफेक्टली ये काम कर रहा है। जिस भी एंगल में चाहेंगे ट्राइपॉड मोल्ड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये नीचे का एंगल है जिसे कि आप काउंटर टॉप में लगा सकते हैं, इसे एडजस्ट करना रहेगा। या फिर जहाँ पे भी आपको वीडियो बनाना हो, टेबल हो गया, काउंटर टॉप हो गया, आप वहाँ पे ट्राइपॉड को एडजस्ट करके। और अब मैं ट्राइपॉड का लाइट दिखा रही हूँ आपको। पहले ये लाइट का मैं तो ये दिखा देती हूँ। तो इसे मैं ऑन कर लेती हूँ। लाइट में कितना फंक्शन है, ये लाइट इसे कम का कर दिया मैंने और स्पीड कर सकते हैं लाइट स्लो। तो ये देखिए कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको, हल्का सा ये लाइट तेज हो रहा है और ये अब कलर चेंज हो रहा है। मुझे तो ये ट्राइपॉड काफी अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्राइपॉड कैसा लगा। मैंने ऑर्डर किया अमेजोन से और इंडिया का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो बस इतना ही है, तो फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो एंड करने के पहले आपको मैं ट्राइपॉड इंस्टॉल करके दिखाती हूँ। ट्राइपॉड को मैं प्रॉपर फिक्स करके दिखा रही हूँ। ये काउंटर टॉप पे मैं इंस्टॉल कर दी हूँ और ये इसका एंगल है। और मेरे पास अभी मोबाइल इंडिया का मोबाइल में यूज कर रही हूँ, तो उसका ये यूएसबी केबल है। तो इसमें लाइट का प्लग को लगाना है और पावर पॉइंट में से लगा देना है। तो किचन के पास पावर पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे आप वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये लाइट का सिस्टम है, तो मैं लाइट ऑन करके देख चेक कर रही हूँ ये प्रॉपर जल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और मैं लाइट चेंज करके दिखा रही हूँ। तो आपको ये ट्राइपॉड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पॉसिबल हो सके तो एक दो ट्राइपॉड का और भी मैं वीडियो बनाऊंगी जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके।